क्या आप जानते हैं कि ध्यानचंद को हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनमें गोल करने की असाधारण प्रतिभा थी, जिसके दम पर भारत ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उनके दौर को भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल कहा जाता है। गेंद पर अपने शानदार नियंत्रण के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद ने वर्ष 1948 में हॉकी से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए थे। भारत सरकार ने वर्ष 1956 में उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तारीख को राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए इस वीडियो में हम ध्यानचंद के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। केवल 16 साल की उम्र में ध्यान सिंह भारतीय सेना में शामिल हो गए और वहीं उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। चूंकि ध्यान सिंह रात के दौरान ही अभ्यास करते थे, जिसके कारण उनके साथी खिलाड़ी उन्हें चंद उपनाम से संबोधित करने लगे। एक बार एक मैच खेलते समय ध्यानचंद विपक्षी टीम के विरुद्ध एक भी गोल नहीं कर पा रहे थे। कई बार असफल होने के बाद उन्होंने गोल पोस्ट की माप के बारे में मैच रेफरी से शिकायत की, और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि माप करने पर पता चला कि गोल पोस्ट की आधिकारिक चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ही नहीं थी। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत के पहले मैच के बाद ध्यानचंद के जादुई हॉकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ हॉकी मैदान में उमड़ने लगी। एक जर्मन अखबार का हेडलाइन था, ओलंपिक परिसर में अब एक जादू का शो भी होता है। अगले दिन पूरे बर्लिन की सड़कें पोस्टरों से भरी पड़ी थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हॉकी स्टेडियम में जाएं और जादूगर का करतब देखें। ऐसा भी कहा जाता है कि हिटलर ने जर्मनी के विरुद्ध ध्यानचंद के जादुई खेल को देखकर उन्हें जर्मन में बसने और अपनी सेना में कर्नल का पद देने की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। 1936 के ओलंपिक में जर्मनी के साथ एक मैच के दौरान जर्मनी के तेज तर्रार गोलकीपर टीटो वर्नहोल्ड के साथ टकराने के कारण ध्यानचंद का एक दांत टूट गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद मैदान पर लौटने पर ध्यानचंद ने जर्मन खिलाड़ियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से भारतीय खिलाड़ियों को गोल नहीं करने की सलाह दी। भारतीय खिलाड़ी बार बार गेंद को जर्मनी के गोल पोस्ट के पास ले जाते थे और फिर से गेंद को वापस अपने पाले में ले आते थे। वर्ष 1935 में जब भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन और हॉकी के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद एक दूसरे से ऑस्ट्रिया की एडिलेड में मिले। ध्यानचंद के खेल को देखने के बाद डॉन ब्रैडमैन ने टिप्पणी की, वह हॉकी में गोल इस तरह से करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं। नीदरलैंड में एक बार अधिकारियों ने हॉकी स्टिक के अंदर चुंबक होने की आशंका के कारण ध्यानचंद के हॉकी स्टिक को तोड़ दिया था। हालांकि ध्यानचंद कई यादगार मैच खेले थे, लेकिन वे 1933 के बेगटन कप के फाइनल मैच को, जो कि कलकत्ता कस्टम और झांसी हीरोज के बीच खेला गया था, अपना सर्वश्रेष्ठ मैच मानते थे। 1932 के ओलंपिक में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को 24-1 और 11-1 से हराया। इन 35 गोलों में ध्यानचंद ने 12 गोल किए, जबकि उनके भाई रूप सिंह ने 13 गोल किए। इस शानदार प्रदर्शन के कारण दोनों भाइयों को हॉकी ट्विंस के नाम से संबोधित किया जाने लगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के बारे में बहुत सारी बातें जान गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, साथ ही आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।